ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। मतलब कोई भी स्टूडेंट होता है उसका होता है ये कि कभी मैं इतना नाम कमाऊँ कि मेरे स्कूल में मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया जाए। मेरा भी था, मैं तो शुरू से ही थोड़ा एक्टिविटीज और मतलब मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप करती नहीं थी जैसे अब हो गई हूँ, क्योंकि वही होता है ना जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं जिन चीज़ को सब नहीं आते हैं। मेरी जो जर्नी है वो इतनी मोटिवेशनल तो नहीं है, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ देखा है, मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं देखा है, क्योंकि मुझे हमेशा से ही मेरे पेरेंट्स जो हैं सपोर्टिव रहे हैं। जैसे जो बोलते हैं कि लड़की लड़कियों में भेदभाव होता है, मैंने आज तक 26 साल की अपनी उम्र में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे भाइयों से ज़्यादा ही रखा है ऊपर, तो मेरी फैमिली सपोर्टिव थी। एजुकेशन मुझे हमेशा से ही बेस्ट मिली है, चाहे मैं स्कूल की अपने गाँव के छोटे से स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे पता था कि एजुकेशन मेरी हमेशा से ऐसी हुई है कि अपने मन में मुझे कभी डाउट नहीं रहा। बोल तो हम लोग बाहर गए तो ऐसा थोड़ा फील कराया जाता था कि आप गांव के छोटे से स्कूल से पढ़ के आए हो, बट आपके रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो बोलते हैं। तो एजुकेशन हमेशा से मेरी अच्छी रही, टीचर्स मुझे हमेशा अच्छे मिले हैं, फ्रेंड्स अच्छे मिले, एनवायरमेंट अच्छा रहा है। उसके बाद ट्वेल्थ भी मैंने जहाँ से करी, कोचिंग करी, फिर मेरा कॉलेज, सब मेरा अच्छा रहा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली हैं मुझे, लेकिन वही होता है जैसे आप जिन जिन ऊंचाइयों पे पहुंचते जाते हैं ना, स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ता है। जैसे अभी सबसे बड़ा मिथ जो होता है ना हमारे साथ, वो क्या होता है कि बेटा एक साल पढ़ लो, ट्वेल्थ के बाद DDUG क्लियर करो, डॉक्टर बन जाओगे, फिर ऐश करना। मैं बताती हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। आप जितना ये सोच रहे हैं ना कि मेरे को इस लेवल पे जाना है, मेरे को ऑफिसर बनना है, मेरे को ग्रुप ए की जॉब करनी है, मेरे को नीचे वाला करना ही नहीं है, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो अभी, आपकी स्कूल की जो एजुकेशन है, स्कूल की बात कोचिंग है, वो मैं कहती हूँ एक छोटा सा कदम है उसकी तरफ जो आपने अपनी पूरी जिंदगी करना है। आपको प्रिपेयर किया जाता है उस चीज़ के लिए, जैसे कि हमने किया जब कोचिंग करते थे तो लगता था कि बस हम पढ़ लेते हैं थोड़े दिन फिर मजे करेंगे कॉलेज में जाके। कॉलेज में एंटर किया तो पता चला मेडिकल कॉलेज क्या चीज़ होती है, इतना स्ट्रगल होता है, आपके पास इतनी किताबें होती हैं, आपको एक रात का टाइम होगा पेपर के टाइम पे, आपने चाहे साल भर कितना भी पढ़ाया लेकिन रिवाइज तो करना पड़ेगा आपको पेपर के टाइम पे। मैं सच बता रही हूँ, हमेशा से मतलब पढ़ाई में अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे जाके मुझे याद है कि मेरे एग्जाम्स में मुझे दो दो दिन तक नींद नहीं आती थी। बहुत मेहनत होती है इन सब चीज़ों के पीछे। अब जैसे हमारे गाँव की जो निशा मैम है जिनका IPS के लिए सिलेक्शन हुआ है, सबको उनकी चलो मेहनत भी दी जाएगी पीछे की, उन्होंने कितनी मेहनत करी है, अब लग रहा होगा उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन वो जिस पोस्ट पे अब है उस पोस्ट पे है कि उनको कितना काम करना है, वो कितना मतलब इतनी मेहनत करनी है उनको कि अभी भी आप समझेंगे कि मतलब सुबह से लेकर रात तक उनको काम करना है। तो ये जो अभी तक उन्होंने किया या मैंने किया है वो तो सिर्फ प्रिपरेशन होती है उस चीज़ की कि आपको लाइफ टाइम क्या करना है। ऐसे में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे जैसे दबाव बनाए इस चीज़ का कि बेटा आप एक साल पढ़ लो, ये हो जाएगा, हो जाएगा, आपका बच्चा हो सकता है ब्रिलियंट है तो वो चीज़ निकाल ले, लेकिन सस्टेन करना उस चीज़ को कि कॉलेज में आप रह रहे हैं, इतना प्रेशर झेल रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी। जैसे मैं जॉब में आई, मुझे कॉलेज टाइम पे लग रहा था बहुत एग्जाम हो गए, अब जब जॉब करूँगी ना तो अच्छा लगेगा, तो मेरे को तो जॉब भी मिल गई, मेरे घर वाले भी खुश, मैं भी खुश, अच्छा जॉब मिल गई, घर के घर में जॉब हो गई जल्द। बट अब जब मैंने सच में काम करना शुरू किया तो अब पता चलता है कि स्ट्रगल तो अब शुरू हुआ है मेरा। रियल लाइफ तो ये है कि सुबह से शाम तक मरीज देखना, कि मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो आपसे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा था, तो इस चीज़ के लिए तो सिर्फ प्रिपरेशन होती है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि बच्चे को ये चीज़ें आपके मन में भी और आपके बच्चे के मन में भी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आगे चल के जो पूरी ज़िंदगी जो काम होने करना है, क्या वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, क्या उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। तो और मैं कहूँगी कि पेरेंट्स का सपोर्टिव होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने चाहे मैंने अच्छे रिजल्ट दिए हों ना दिए हों, कभी मुझे कंपेयर नहीं किया कि देखिए फलाने का बच्चा तो ये कर गया,
आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को इतना तो सपोर्ट नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा अलग है, सबके बच्चे अलग ही होते हैं, तो जो आपको बच्चा करना चाहता है उसको बड़ी कराना चाहिए। और एक बात ये है जो हमारे स्कूल बेसिक एजुकेशन जो होती है हमारी, जैसे टेंथ तक, मतलब ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ले आती है। जब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है कि सिर्फ आपका स्कोर कार्ड जो होता है ना, ये कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप लाइफ में क्या करेंगे। मेरा जैसे यहाँ पे हम लोग होते थे तो सर और मैम से जैसे इंटरेक्शन हर बच्चे का उस टाइम पे, शायद अभी भी वैसे ही होता होगा, हर एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता था, तो हम लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ कि हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि हम दिल्ली तक ले जा रहे हैं, तो हमारे अंदर वो वाली फीलिंग नहीं आई कभी कि हम एक छोटे से गाँव से आए, क्योंकि हमें पता था कि हम जो बच्चे बहुत बड़े फैंसी स्कूल से पढ़ के आए हैं उनके जितने हैं हम कर लेंगे। तो ये वाली चीज़ है हमेशा से मेरा, तो देखो मैं बहुत करती रही हूँ इस चीज़ में, मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बनना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वही है कि कुछ लोग थोड़ा कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। अपने जो जूनियर हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिली बार बार मेहनत करने के भी, तो उसको भगवान की मर्जी समझ के आपको निराश नहीं होना है। हो सकता है आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ हो, क्योंकि मैंने तो इतने दिनों में यही रियलाइज़ किया है कि आपके लिए पक्का उससे कुछ अच्छा होता है जो भगवान आपको देना चाहता होता है। और थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं अपने सर और मैडम को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट बुलाया जाए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे अभी शायद मैं कुछ और करूँगी उसके बाद बुलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे शायद थोड़ा जल्दी बुला लिया।